लॉकडाउन की चर्चा महाराष्ट्र में जोरों पर है, लेकिन दो दिन बैठक करने के बावजूद इस पर फैसला नहीं हो पाया। मुमकिन है कि आज बैठक में कुछ निकल कर आ जाए। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 दिनों का लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव रखा, जबकि टास्क फोर्स के कुछ सदस्य 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन के पक्ष में थे। लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर आज सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के बीच 11 बजे बैठक होगी। सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला न ले पाने पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जो निर्णय लेना है वो तय करने की आवश्यकता है, कल बैठक, आज बैठक, वापस कल बैठक, क्लियर दिशा देने की आवश्यकता सरकार की थी, लेकिन मुझे लगता है सरकार में तालमेल दिख नहीं रहा है। चिंता यह है कि लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद रविवार को मुंबई के दादर में भारी भीड़ उमड़ आई। महाराष्ट्र में एक दिन में 63,294 नए केस आए, जबकि 349 मौतें हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,989 नए केस आए, जबकि 58 मौतें हुई। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जनता का उसे पूरा साथ नहीं मिल रहा। ऐसा चलता रहा तो महाराष्ट्र में रोजाना 1 लाख केस आने लगेंगे। ये तस्वीरें चिंता में डालती हैं, तो कोरोना काल में एक अच्छी खबर भी है, और वो खबर यह है कि आने वाले कुछ समय में देश में 5 और कोरोना वैक्सीन की आने की उम्मीद है। एक वैक्सीन को तो अगले 10 दिन में मंजूरी भी मिल सकती है। अक्टूबर तक उम्मीद है कि देश में स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, नोवावैक्स वैक्सीन, जाइडस कैडिला वैक्सीन और भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल वैक्सीन आ जाएगी। इसमें से स्पुतनिक वी वैक्सीन को अगले 10 दिन में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। स्पुतनिक वी वैक्सीन के लिए हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब, हेट्रो बायोफार्मा, ग्लैंड फार्मा, स्टेलिस बायोफार्मा और विक्रो बायोटेक जैसी कंपनियों से रूस की सरकारी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने करार किया है। बताया जा रहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की देश में 85 करोड़ खुराक बनाई जाएगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक स्पुतनिक वी वैक्सीन देश में जून से उपलब्ध हो सकेगी, वहीं अगस्त में जॉनसन एंड जॉनसन और जाइडस कैडिला की वैक्सीन आ सकती है। सितंबर तक नोवावैक्स और अक्टूबर में इंट्रानेशनल वैक्सीन भी भारत में उपलब्ध हो सकती है। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। इस समय क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल दौर में कोरोना के करीब 20 वैक्सीन हैं। प्रतिभा, ये तो बात हुई उस वैक्सीन की जो आने वाली है, लेकिन भारत में जो वैक्सीन अभी लग रही है और जो वैक्सीन आने वाली है वो कितनी कारगर है, किसके कितने डोजेज आपको लेने हैं, ये तमाम जानकारी जानने के लिए इस खबर को देखिए और हाँ, शेयर भी जरूर कीजिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड भारत में बनी है, भारत बायोटेक की कोविशील्ड भी भारत में बनी है, वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अमेरिका में बनी है, वहीं स्पुतनिक वी वैक्सीन रूस की कंपनी पेनेशिया बायोटेक में बनी है, जबकि जाइडस कैडिला की वैक्सीन भारत के गुजरात में बनी है। कोरोना से बचाव के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज, भारत बायोटेक की वैक्सीन की 2 डोज, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की सिंगल डोज, स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज और जाइडस कैडिला की वैक्सीन सिंगल डोज लेनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड 70.4% कारगर, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 80.6% कारगर, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन 85% कारगर, स्पुतनिक वी वैक्सीन 91.5% कारगर, जाइडस कैडिला की वैक्सीन के 91% तक कारगर होने का दावा है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का प्रतिदिन 20 लाख डोज उत्पादन हो रहा है, भारत बायोटेक की कोविशील्ड का रोज 3 लाख डोज, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन का 4,09,000 डोज, स्पुतनिक वी वैक्सीन का मार्च तक 33 लाख डोज, जाइडस कैडिला की वैक्सीन का 1 साल में 10 करोड़ डोज का उत्पादन हुआ है। कौन सी वैक्सीन आएगी, कितनी कारगर होगी, ये आपने जान लिया। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इस बीच इस अभियान को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस शासित 2 राज्यों की तस्वीरें टीका उत्सव की अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। पीएम मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में टीका उत्सव के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं जयपुर के कई वैक्सीन सेंटर के दरवाजे बंद रहे। दावा है कि यहां वैक्सीन की कमी हो गई है।
आम दिनों में यहाँ पर 300 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, लेकिन पिछले दो दिनों से यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम बंद पड़ा है। लोग यहाँ पर वैक्सीन के लिए आते हैं, लेकिन पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। पूरे राजस्थान की अगर बात की जाए तो 33 जिलों में से ज्यादातर पर वैक्सीनेशन का काम बंद हो चुका है। राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र में भी वैक्सीन की कमी का दावा किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच वहां से एक अच्छी खबर भी आई है। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य हो गया जहां वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। महाराष्ट्र में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। अब तक 1,38,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। टीका उत्सव के पहले दिन देश भर में 27 लाख से ज्यादा लोगों ने टीका लगाया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के बढ़ते आंकड़ों के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है प्रतिमा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जुड़ी हुई हर अपडेट सुबह सुबह आपके सामने हम रखते हैं। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरें आने लगी, जिस पर अब सरकार ने एक्शन लिया और निर्यात पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने ये कदम कोरोना संक्रमण से निपटने में जीवन रक्षक साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरों के आने के बाद उठाया है। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर तुरंत रोक लगा दी है। रोक का फैसला देश में हालात सुधरने तक लागू रहेगा। अमेरिकी कंपनी के साथ करार के तहत 7 भारतीय कंपनियां इस इंजेक्शन के उत्पादन में जुटी हैं। इन कंपनियों में हर रोज 38.80 लाख यूनिट्स का उत्पादन किया जा रहा है। कंपनियों से कहा गया है कि वो अपनी वेबसाइट्स पर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे। ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के दूसरे अधिकारियों को इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। सरकार ने ये कदम इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने और कमी को पूरा करने के लिए उठाए हैं। जिन राज्यों में इनकी सबसे ज्यादा कमी पाई गई है वो है महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे और गुजरात का अहमदाबाद। कुमकुम, दिल्ली का भी हाल बुरा है। दिल्ली में एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आने के बाद सरकार के कान खड़े हो गए। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को चेताया। नवंबर के महीने में हम एक पीक देख चुके हैं। नवंबर के महीने में जो पीक आई थी वो 8,500 केसेस की थी। आज हम ऑलरेडी 10,700 केसेस क्रॉस कर चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताते हुए सीएम केजरीवाल ने फिलहाल लॉकडाउन की योजना से इनकार किया है, लेकिन अगर हालात नहीं संभले तो कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी सरकार को तब लगाना चाहिए जब उसके अस्पतालों की व्यवस्था कोलैप्स कर जाए। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर दिल्ली के अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अस्थायी कोविड सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। ये वो बैंक्वेट हॉल हैं जहां पर शादियां होनी थी, लेकिन फिलहाल इनको फिर से तैयार किया जा रहा है कोरोना के मरीजों के आइसोलेशन के लिए। दरअसल ये लोकनायक अस्पताल के ठीक सामने का शहनाई बैंक्वेट हॉल है, जहां पर जून के महीने में भी इसी तरह का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था। आने वाले वक्त में अस्पतालों पर बोझ बढ़ने की आशंका की वजह से सीएम ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत हो तभी अस्पताल जाएं और सरकारी अस्पताल में भी जाएं, क्योंकि वहां भी बेहतर इंतजाम है। अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ के कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। प्रतिमा, आपने देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखाया, यूपी की बात करते हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर जाने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में जहां भक्तों का हुजूम दिखाई देता था, वहां अब गिने चुने भक्त ही दिखाई देते हैं। किसी को भी मूर्ति के पास तक जाने की भी इजाजत नहीं है। यहीं पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इस बैरिकेडिंग के आगे किसी भी भक्त को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ जो भक्त प्रसाद लाएंगे वो यहीं से चढ़ाएंगे। अगर उन्हें छोड़ देना है प्रसाद चढ़ा करके तो छोड़ दें, नहीं तो वो प्रसाद अपने साथ ले आ सकते हैं। ना तो प्रसाद और ना फूल माला, कोई भी चीज इस बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाएगी। भीतर सिर्फ मंदिर का स्टाफ मौजूद रहेगा जो दूर से ही दर्शन कराएगा। अगर ये सब होता है तो ये तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, और दूसरी जो फैल रहा है उससे और फैलेगा नहीं, जितना हो सकता है उतने बचाव हो जाएगा। जो बीमारी चल रही है उसको देखते हुए तो ठीक ही है, क्योंकि खुद सुरक्षित रहेंगे दूसरा भी सुरक्षित रहेगा।
वजह है कोरोना काल में संक्रमण न बढ़े, इसके लिए धार्मिक स्थलों के लिए सरकारों की ओर से नियम बना दिए गए हैं। किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। नियम मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी में लागू होगा। ये नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा। जाहिर है कोरोना महामारी ने भगवान और भक्तों के बीच भी दूरी बढ़ा दी है, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि भगवान की दुआ के साथ ही दूरी भी बहुत जरूरी है। कुमकुम ये पाबंदियां सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। आज हरिद्वार कुंभ में दूसरा शाही स्नान है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने यहां भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। कोरोना के बीच आस्था की डुबकी। सावधानी के साथ सोमवती अमावस्या का शाही स्नान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज हरिद्वार में शाही स्नान को सुरक्षित बनाए रखने की चुनौती है। इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। सभी अखाड़ा को स्नान के लिए आधे आधे घंटे का वक्त दिया गया है। गंगा स्नान के लिए आने वाले भक्तों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए। शाही स्नान से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें आइसोलेट कर पूरे अखाड़े को सैनिटाइज किया है। उनके करीबी संतों की कोरोना जांच की जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।